गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे दोस्तों, और हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर में आफ्टरनून होने वाली है, 15 मिनट बाकी है 12 बजने को। तो दोस्तों मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और अभी तो हमारा लंच की तैयारी नहीं हुई है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाला ब्लॉग में जैसे कि बताया था कि मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो उनका ट्रेन 10 बजे यहाँ पहुँचता, बट इतना ज़्यादा लेट है कि अभी तक नहीं पहुँचे। तो वो जब आएंगे आएंगे, उनका कॉल आ गया है। तो दोस्तों अभी जस्ट कॉल आई थी, तो अभी आ गए। हाँ बाबू चला गए। बैग तो लेके आओ, कहाँ चले? बैग लेके आओ इधर। तो आ गए। इतना लेट कैसे हो गया? नहीं लेट हो गया। हाँ तो वो तो ठीक है, कैसे लेट हो गया बोल रही हूँ। कहीं कहीं खड़ा कर दिया, रोड ये नहीं था क्लियर। रखिए ये है कटहल, कटहल है ना? अरे बाप रे, कहाँ है वो? नीचे, इसको हम नीचे ही फेंक दे रहे हैं, गंदा वंदा कपड़ा। अच्छा भी होगा तो अब बिल्कुल फोल्ड करके रखे ही नहीं। ये है, है? ये है क्या? अच्छा तो दोस्तों वहाँ से हम लोग के लिए लेके आए हैं छोटा मछली फ्राई करके, क्योंकि इधर नहीं मिलते हैं। कैसे लग रहा है? क्या लेके आ रहे हो? अच्छा ये है कटहल, अभी तक तो पका नहीं है लेकिन 2-3 दिन में पक जाएगा। बाकी कुछ नहीं है। इधर क्या है? मीठा लाए हैं क्या आपके लिए? नहीं नहीं नहीं, ये है। अच्छा कटहल का जो बीज होता है वो वाला। तो काफ़ी टाइम बाद बात करें आप लोग से, क्योंकि अभी मैं लग गई थी लंच बनाने के लिए, और अभी टाइम 10 मिनट बाकी है 2 बजने को। तो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है लंच भी, इधर देख सकते हैं चिकन कोसा, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले फ्राई, और चावल बन गई है, पापड़ छानना बाकी है। और इधर मैं दिखाती हूँ, इधर है मछली, तो बस जो लाए थे उसी को मैं करी बना दी। और बस दोस्तों आज का मेन्यू हम लोग का ही है, और अभी बहुत मस्त धूप निकला है। तो बस काफ़ी दिन बाद हम लोग साथ मिल के खाने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग बैठ गए हैं खाने के लिए, इधर बाबू है इधर मेरा है, देख सकते हैं बहुत सारा आइटम है आज। तो कैसे लग रहा है इतना दिन बाद? अच्छा लग रहा है, बहुत मस्त। बाबू आपको? अच्छा तो दोस्तों चलो हम लोग खा लेते हैं, काफी टाइम हो गई है, दोपहर हो चुकी है, तो बस चलिए मिलते हैं, हम लोग खा लेते पहले। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:30, और अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो मेरे हस्बैंड के एक दोस्त आए हुए हैं, तो बस उनके लिए मैं अभी चाय बना रही हूँ। क्या अब शर्ट क्यों पहने हुए बेबी? हाँ। शर्ट टाइम देखो कितना हुआ है आपका? कितना मिनट?
मतलब कितना हो रहा है, एक बार ही दो। 6:46 आपका तो ज़्यादा है। तो बस अभी मतलब दे देती हूँ उन लोगों को, फिर थोड़ा सा झाड़ू करूँगी। दोस्तों इतना गंदा कर दिया बाबू ने पूरे घर का, है ना। वो बाबू तो ड्रामा कर रहा है, मुझे उसको क्या काट के क्या बेटा का जो मैंने स्माइल बनाया उसका क्या बेटा बना। हाँ तो वो तो ठीक है, तो अच्छे से रख दो अंदर स्टोर रूम में रख दो, ठीक है मत कर। तो ये चाय भी बन गई है, अभी मैं डालूंगी कप में, फिर लेके जाना पड़ेगा। मैं रेडी करके रखी हूँ सारा। इतना बड़ा सा अदरक डाली हूँ, कैसे लग रहा है जैसे छिपकली गिरा हुआ है। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए मार्केट तरफ। बाबू का पेंट उसका चेन ख़राब हो गया था तो वो हम दे के आ गए। अभी यहाँ एटीएम में, अभी एटीएम में वो जो पासबुक है उसका प्रिंट आउट निकल। क्या कर रहे हो आप, चढ़ कहाँ गए? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है हिंदी को बोल। अच्छा प्रिंट करा रहे हैं। यस वाज द पासबुक प्रिंटेड। बाबू मत चढ़ो ना। हम लोग आ गए हैं रिलायंस मार्ट में, थोड़ा बहुत लेना है उसको लेके फिर हम चले जाएंगे। और ये ट्रक रोज लगती है यहाँ पे, इतना स्टॉक होता है ना। हाँ ठीक है, ये हम ले रहे हैं चेरी, हो गया ना। तो क्रीम भी है। हाँ दूध से बना हुआ। हाँ लेकिन ये छोटे बच्चे के लिए है, बहुत छोटे बच्चे। चलो चलो। तो दोस्तों हमारा शॉपिंग हो गया, अभी हम निकलते हैं। टाइम तो हो गया है 8:30। तो दोस्तों यहाँ पर मेला लगा हुआ है एक, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। बाबू इसमें चढ़ गया है और अटक भी गया है। धीरे धीरे आ रहा है, ज्यादा नहीं है खेलने का जगह, 2-3 है बस बाउंसिंग वाला। खादी महोत्सव इधर कप क्रॉकरी वगैरह है। ₹20 क्या? हेलो दोस्तों, तो हम लोग वापस आ चुके हैं घर और अभी टाइम 9:30 बज रहे हैं दोस्तों। तो है। अभी बस बाबू के लिए रोटी बनाना है, हम दोनों नहीं तो खाएंगे। बारा सिंगा है, बारा सिंगा। ठीक है बना लो। तो हम थोड़ी देर के लिए मेला भी घुस गए थे और देखे होंगे उसका वीडियो। थोड़ा बहुत हम खरीदारी भी किए, ये क्या बोलते हैं, हर एक माल 20 रुपया ऐसे होता है ना, सब जो भी चीज होता है वो 20 रुपीज़ का होता है। तो बस वहीं से मैं ये वाला ली। और क्या है, और हमने ये ली, मस्त लगा मुझे।
छोटा सा, और ये भी है 20 रुपीज में, ये बाहर नहीं मिलेगा। 40, ओ माय गॉड, ये थोड़ा सा क्रैक है साइड में, मैं देख ही नहीं इसको। और इधर मैं एक ये वाला भी ली, छिलने वाला, और हम लिए हैं ये। और बाकी ये सामान सब, ये सब हम लिए थे मॉल में। किंडर जॉय अभी आने के तुरंत बाद वो अपना जो गिफ्ट होता है उसको फिक्स कर रहे धीरे से, प्यार से, शांति से, ठीक है, गुस्सा नहीं करना। और हम लेके गए थे ये बाबू का पैंट, उसका जो लग गया। हाँ ये वाला नेव है, ये टूट गया था लेकिन अभी ठीक हो गया। 50 रुपये लिए हमने, उसको लगवा लिए हैं, अभी वो यूज कर पाएगा। बाकी है, मैं दिखाई थी ये सब, वही है, ज़्यादा कुछ नहीं लिए हम लोग। चलो और अभी चेंज करके बाबू के लिए रोटी बनाऊंगी, सब्जी है दोपहर का, तो बस रोटी बनाना है एक, हाँ एक बना लूंगी, एक या दो, बस हो गया। तो मैं क्या अभी किंडर जॉय खा के आ गया हूँ किचन पर, और अभी मैं मम्मी को भी क्या कर रही है दिखाता हूँ। चलो अभी मेरी बर्तन साफ कर रही है। हाँ, जो सुबह काम क्या है, वो सुबह काम बर्तन साफ करके देते हैं ना। हाँ, शाम अभी नहीं है, पूरा रात हो चुका है। और मेरे पापा देखना अभी कुछ, रुकिए देखो पापा यहाँ पे मजे से एंजॉय कर रहे, देखो देखो देखा, देखा मजे कर रहे हैं, और मैं मुझे नहीं कर रहा हूँ, बहुत बोर हो चुका हूँ भाई दोस्तों। जब तक हमारा खाना बनता है तब तक आप क्या मेरी मम्मी को देखते दीजिए, ठीक है, जब तक खाना बनता है। छोड़ दीजिए, इतना ही बनाइए। हाँ तो मैं कैसे आप डिनर बना रही हो, तब भी तो करना है ना। एरोप्लेन बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे ओके फिर ऐसे जो पहले इधर कीजिए ना, सबसे वाओ, बाबू का मस्त एरोप्लेन बन गया। तो दोस्तों बाबू का खाना बन चुका है डिनर, ये देख सकते हैं रोटी, ये मैंने हाथ से बनाया है, मतलब बिना बेलन और बिना चाकी के, ऐसे हाथ से ही, जैसे नान बनाता है ना ऐसे ही। और ये उसका चिकन, तो अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग पहले देखते थे ऐसे ही। हाँ ठीक, तो चलिए आज का ब्लॉग हम एंड कर देते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर देना लाइक शेयर और बेल आइकन प्रेस करना। तो बस चलिए मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।